नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल आरडीए मैजिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लगातार सीटेट हिंदी पेडागॉजी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे प्रतिवर्ष आपके सीटेट के पेपर में दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि आपसे अधिगम अक्षमता से एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या आपसे बालक किस उम्र में कितने शब्दों का भंडारण कर लेता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर कोई बालक, या कह दिया जाए कोई बालक बोलने में या अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है, तो ये किस अधिगम विकार के तहत आता है। किसी बालक को अक्षर पहचानने में कठिनाई हो रही है, या वो आ क्या आता है, डी को बी समझता है, यानी अक्षरों को या शब्दों को उल्टा पढ़ता है, ये किस अधिगम विकार के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कई बार डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डिसलेक्सिया किसे कहेंगे, डिसप्रैक्सिया किसे कहते हैं, या डिसफेसिया किसे कहेंगे, डिसकैल्कुलिया किसे कहेंगे, या 4 वर्ष की उम्र में बालक कितने शब्दों का भंडारण कर लेता है, या उसे कितने शब्दों का ज्ञान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके सीटेट के पेपर में पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। तो आज इन्हीं दो बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं, या अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखते हैं अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता, आप सभी को पता होना चाहिए कि अधिगम अक्षमता जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क ने किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया, तो सैमुअल किर्क ने किया था। और कब किया था? 1963 ईस्वी में। उनका अधिगम अक्षमता से तात्पर्य ये था, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो अधिगम से तात्पर्य है सीखना, अक्षमता मतलब होता है की क्षमता का अभाव। यानी कि इससे अधिगम अक्षमता से तात्पर्य क्या हो गया कि जब भी किसी बालक में कोई लेशन या कुछ सीखने की अक्षमताएं दिखाई देती हैं, या उसमें कुछ अधिगम विकार प्रकट होते हैं, उसे अधिगम अक्षमता के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि जैसे हम कोई कार्य करें, हमसे कहा जाए कि आपको इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है, और हम वो बल्ब बनाने में क्या है, अक्षम है, हमारे पास ऐसे स्किल नहीं है या ऐसे क्षमता नहीं है कि हम बल्ब बना सके, तो हम क्या हो गए, अक्षम हो गए। यानी क्या हो गई, अक्षमता हो गई। तो अगर आपसे किसी ने कहा, हमने कहा आपसे कह दिया जाए, अधिगम अक्षमता का मतलब होता है कि जब भी कोई बालक के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जब भी किसी बालक को बोलने में, यानी वाक का मतलब क्या हो गया, बोलने में, भाषा में, लिखने पढ़ने, चित्रांकन करने या बालक में कोई गणितीय विकार हो, गणितीय समस्या हो,
गणितीय विकार हो, ये एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो इन्हीं को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, अधिगम अक्षमता की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, या इन्हें ही हम अधिगम अक्षमताएं कहते हैं। प्रारंभिक उम्र में या कह दिया जाए बाल्यावस्था में अधिकतर बालकों को बोलने या तो बोलने की समस्या होती है, या आपसे कह दिया जाए अभिव्यक्ति की समस्या होती है, या लिखने की समस्या होती है, पढ़ने में भी उसे प्रॉब्लम होती है, या कोई चित्रांकन करना है, कोई चित्र बनाना है तो भी उसे दिक्कत होती है, या कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, या ये एक समस्या हो सकती है या एक से अधिक एक साथ हो सकती है। जरूरी नहीं कि अगर किसी बालक को कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है तो उसे वाक की प्रॉब्लम नहीं होगी, एक या एक से अधिक समस्याएं एक साथ हो सकती हैं, और इन्हीं समस्याओं को हम अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार का नाम देते हैं। जैसे आप देखते हैं कई बार बालक होते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप ऐसा करो कि आप ये क्या लिखा है डी लिखो, और बालक जैसे ही क्या होता है डी को देखता है और वो बी लिख देता है। उसने डी को देखा और उसको उससे क्या समझ में आ गया, बी समझ में आ गया, और जैसे उससे कह दो पाँच लिखा है और वो पाँच को क्या समझ लेता है दो समझ लेता है। तो इस टाइप की जो समस्याएं होती हैं ये अधिगम अक्षमताएं हैं, या उसे अक्षर पहचानने में कोई समस्या हो जाए, या पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होती, ये सारी चीज़ें अधिगम अक्षमताओं के अंतर्गत आती हैं। अगर सामान्य रूप से हम देखें तो आप सब जानते भी हैं और हम बताए भी दे रहे हैं। वैसे तो बालकों में 10 प्रकार की अधिगम क्षमताएं होती हैं, लेकिन हमारे पेपर में 2-3 प्रकार की ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे आपके पास क्या लिखा है, एक आपकी क्या हो जाएगी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसफेसिया, अब अगर देखें ये सारी आपकी क्या है अधिगम अक्षमताएं हैं, और इसके बाद डिसऑर्थोग्राफिया, और लास्ट आपसे देखा जाए तो आपके पास एक हो जाएगी डिसप्रैक्सिया। तो ये आपकी क्या होता है सामान्य रूप से 6 अधिगम अक्षमताएं होती हैं, और इनमें से लगभग प्रतिवर्ष एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। तो अगर आपसे कह दिया जाए दिस वर्ड, अगर देखिए सारे शब्द तो ये सब क्या होता है 2 वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो प्रीफिक्स लिखा हुआ है, प्रीफिक्स का मतलब होता है हिंदी में क्या हो जाएगा उपसर्ग होता है, प्रीफिक्स का हिंदी में प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया उपसर्ग। तो यानी ये जितने भी शब्द बने हैं ये सब किससे मिलकर बने हैं किसी ना किसी उपसर्ग से, यानी अब उपसर्ग कौन सा है डिस, और डिस का मतलब क्या होता है विपरीत, यानी जहां पर भी डिस उपसर्ग लग जाएगा ये हमेशा जो शब्द लिखा होगा उसका विपरीत अर्थ प्रकट करता है। कि अगर आपसे कह दिया जाए ग्रेस मतलब कृपा होती है, जैसे एक वर्ड आपके पास लिखा है ग्रेस,
और ग्रेस मतलब होती है कृपा, तो यहीं पर अगर हम जोड़ दें डिस ग्रेस मतलब क्या होता है, जहां पर कृपा ना हो यानी कृपा ना की गई हो। तो अब आपसे कह दिया जाए यहां पर बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जैसे कह दिया जाए डिसलेक्सिया, और लेक्सिया से देखा जाए लेक्सिकल वर्ड से बना हुआ है, यानी जहां पर पढ़ने की बात हो रही है। तो डिसलेक्सिया मतलब क्या हो गया, ना पढ़ पाना, यानी कि कह दिया जाए कि जब किसी बालक में पठन विकार होता है यानी पठन संबंधी कोई समस्याएं होती हैं, तो उसे हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, डिसलेक्सिया की। यानी डिसलेक्सिया से तात्पर्य क्या हो गया, पठन विकार हो गया। और डिसग्राफिया, अब ग्राफ का मतलब ये जो हमारी लिपि होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड ग्राफ, यानी जो भी हम लिखते हैं लिपि किसके अंतर्गत आती है, ग्राफ के अंतर्गत आती है। जैसे हमने कहा ग्राफ बनाओ, तो हम कुछ ना कुछ क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, या कुछ ना कुछ कोई चित्र बना देते हैं, तो सब किसके अंतर्गत आते हैं, लेखन के। तो डिसग्राफिया का मतलब क्या हो गया, लेखन विकार। हम इनको और डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सबसे पहले इनसे डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बता रहे हैं। और कैलकुलेशन आप देखें तो डिसकैलकुलिया में क्या हो गया, डिस और कैलकुलिया, कैलकुलिया किससे मिलता जुलता है, कैलकुलेशन से मिलता जुलता है। और कैलकुलेशन का तात्पर्य क्या हो गया कि जहां पर हम किसी चीज की गणना करते हैं, अक्सर हम बोलते हैं इसका कैलकुलेशन वीक है या इस बालक का कैलकुलेशन अच्छा है, तो कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया, गणना करना। और यहाँ पर क्या हो गया, डिस मतलब विपरीत अर्थ हो जाएगा, तो यानी क्या हो गया, गणना कहाँ पर होती है, गणित में, इसका मतलब क्या हो गया, गणितीय विकार, गणितीय विकार। तो यानी जहां पर भी कैलकुलेशन से संबंधित, गणित से विकार संबंधित कोई अक्षमता उत्पन्न होती है, वो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आती है। और डिसफेसिया लिखा हुआ आपसे कह दिया जाए, तो डिसफेसिया का मतलब होता है बोलने से, फैसिया मतलब होता है वाक, दो वर्ड से मिलकर बना डिस और फैसिया, फैसिया यानी कि कलियाजा, व्यक्त करना या बोलना। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस फैसिया मतलब होता है वाक विकार, वाक विकार यानी बोलने संबंधी, या आपसे कलियाजा है बोलने का विकार। इसके बाद डिसऑर्थोग्राफिया मतलब होता है वर्तनी विकार, यानी वर्तनी से संबंधित कोई विकार होगा तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, डिसऑर्थोग्राफिया के अंतर्गत आ जाएगा। अब आपसे कह दिया जाए फिर क्या हो जाएगा, डिसप्रैक्सिया का मतलब क्या होता है, लेखन एवं चित्रांकन विकार, लेखन एवं चित्रांकन विकार, चित्रांकन विकार। तो लेखन एवं चित्रांकन विकार ये हो गया। तो पहले तो आपको यहीं पर बेसिक चीजें यहीं से याद रखना है कि डिसलेक्सिया का मतलब क्या हो गया, पठन विकार, डिसग्राफिया का मतलब क्या हो गया, लेखन विकार, डिसकैलकुलिया का मतलब हो गया गणितीय विकार, डिसफेसिया का मतलब क्या हो गया वाक विकार, डिसऑर्थोग्राफिया मतलब वर्तनी विकार, डिसप्रैक्सिया मतलब लेखन एवं चित्रांकन विकार। आपसे पूछा जाए कि लेखन एवं चित्रांकन विकार से या लेखन एवं चित्रांकन अक्षमता से संबंधित निम्न में से कौन सा है, डिस्लेक्सिया, ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह दिया जाए यदि किसी बालक को वर्तनी अक्षमता है, यानी बालक में वर्तनी संबंधी कोई विकार है, तो किसके अंतर्गत आएगा, डिसऑर्थोग्राफिया के अंतर्गत। अगर कह दिया जाए बोलने में या अभिव्यक्ति में अक्षमता है, कोई बालक अपने मन के विचार व्यक्त नहीं कर पाता, व्याख्यान नहीं दे पाता, अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर पाता, तो किस विकार के अंतर्गत आएगा, डिसफेसिया के अंतर्गत आएगा। मान लो किसी बालक को गणित से संबंधित जोड़ने में घटाने में इस टाइप की कोई समस्या है, वो किसके अंतर्गत आएगी, डिसकैलकुलिया के अंतर्गत। अगर डिसग्राफिया की बात करेंगे तो किसी बालक को लिखने में कोई समस्या है,
तो डिसग्राफिया के अंतर्गत आएगा, और पढ़ने में कोई समस्या है तो वो आपका डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में और पूछे जाते हैं। आइए हम एक एक पर थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। डिसग्राफिया में अगर कहा जाए तो एक तरफ से देखें तो डिसग्राफिया पहला तो अगर देखें इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा डिसग्राफिया से, तो ये क्या हो जाएगा, लिखते समय या कह दिया जाए लिखते समय स्वयं से बालक में क्या प्रॉब्लम होती है कि जब बालक क्या करता है लिखते समय स्वयं से बात करना जब भी किसी बालक को डिसग्राफिया की डिजीज होगी या डिसग्राफिया की प्रॉब्लम होगी, इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज, हम इसको एक बीमारी मानते हैं, ये किसकी श्रेणी स्टडी में रखी जाती है, बीमारी की। हमने कहा लिखते समय बालक क्या करता है, स्वयं से बात करता है, बाकी तो आपको पता ही है इसके अंतर्गत आती है लेखन विकार के अंतर्गत है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेखन विकार। तो जब बालक कुछ लिख रहा होता है तो क्या करता है, स्वयं से बात करता है। अब ये मान लो ये ना हो तो कई बार क्या होता है कि जो बालक इस बीमारी से अगर ग्रसित है तो अपूर्ण अक्षर या शब्द लेखन, यानी कि वो अक्षर को अपूर्ण लिखता है या शब्द अपूर्ण लिखता है, पूरा क्या होता है शब्द नहीं लिखता, यानी तो इसमें क्या हो गया अपूर्ण अक्षर या शब्द लेखन। पेपर में आपसे पूछा गया कि यदि कोई बालक किसी अक्षर को अपूर्ण लिखता है या शब्द को अपूर्ण लिखता है तो इसमें किस प्रकार की समस्या होगी, तो वो किससे ग्रसित है, डिसग्राफिया से ग्रसित है। या मान लो बालक कोई बालक ऐसे दस्तखत करता है जो अपठनीय हो, तो जहाँ पर कोई बालक अपठनीय हस्ताक्षर करता है तो आप समझ लीजिए कि वो कहाँ पर हो गया, अपठनीय हस्ताक्षर ही किसके अंतर्गत आते हैं, डिसग्राफिया के अंतर्गत आते हैं। फिर तीन चार टाइप के क्वेश्चन आपसे इससे और पूछे जा सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हस्ताक्षर कर कोई व्यक्ति ऐसे हस्ताक्षर करे कि जिसको पढ़ा ना जा सके, दैट इज डिसग्राफिया हो गया। कोई अच्छा या शब्द अपूर्ण लिखता है वो भी क्या हो गया, डिसग्राफिया। लिखते समय स्वयं से बात करे तो क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया हो जाएगा। लेखन विकार किसके अंतर्गत आते हैं, डिसग्राफिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिसकैल्कुलिया पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर हम देखें यदि कोई बालक डिसकैल्कुलिया नाम की डिजीज से ग्रसित है तो पहली बात तो आपको पता है कि सबसे पहली बात तो कि वो गणितीय विकार होगा, आपने पढ़ भी रखा है, उसे गणित संबंधी विकार होंगे, साथ ही इस तरह के बालकों में दिशा भ्रम हो जाता है, दिशा भ्रम हो जाता है, यानी कि इनको क्या होता है ये नहीं पता होता, या कई बार इनको इस बात का भ्रम हो जाता है कि कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण, कौन सा पूर्व और कौन सा पश्चिम। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे कि किस प्रकार के बालकों में दिशा भ्रम होता है तो ऐसे सभी बालक जो डिसकैल्कुलिया से ग्रसित होते हैं उन्हें दिशा भ्रम हो जाता है, यानी दिशा का ज्ञान अथवा इसी को हम कहेंगे अथवा दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प ज्ञान
इसको इस तरह से भी पूछ सकता है, यानी कह लिया जाए जिन बालकों में दिशा का अल्प ज्ञान होता है या अभाव होता है वो किस बीमारी से ग्रसित होते हैं, डिसकैल्कुलिया नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं। अब इसमें और भी एक दो पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, कह लिया जाए ऐसे कई बालक होते हैं जो गणितीय सूत्रों का प्रयोग करने में अक्षम होते हैं, गणितीय सूत्रों के सूत्रों या सिद्धांतों के प्रयोग में समस्या, गणितीय सूत्रों या सिद्धांतों के प्रयोग में समस्या। तो यदि किसी बालक में गणितीय सूत्रों के प्रयोग में या सिद्धांतों के प्रयोग में कोई समस्या होती है तो उसे क्या बोलेंगे आप, डिसकैल्कुलिया के अंतर्गत ही रखेंगे। ऐसे बालकों को क्या होता है, चेकबुक प्रयोग करने में भविष्य में जब ये बालक चेकबुक प्रयोग करते हैं तो इनको चेकबुक प्रयोग करने में भी समस्या होती है, प्रयोग करने में समस्या, यानी कि चेकबुक प्रयोग करने में समस्या होती है। तो ये क्या हो गया, कह दिया था पेपर में पूछ ले कि यदि किसी बालक को चेकबुक प्रयोग करने में समस्या होती है तो किस प्रकार की डिजीज से ग्रसित है, तो वो किससे ग्रसित है, डिसकैल्कुलिया से। अब आगे देखते हैं हम लोग डिसलेक्सिया, ये हो गए, नेक्स्ट देखते हैं डिसलेक्सिया। अब इसमें पहला तो आपको ऑलरेडी पता है कि डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, पठन विकार हो गया, यानी कि बालक को पढ़ने में ही सबसे ज्यादा पढ़ने में समस्या होती है। पठन विकार के बाद क्या हो गया आपसे कह लिया जाए, बालक एकाग्रता नहीं कर पाता, यानी कि उसका दिमाग एकाग्रता की कमी, यानी कि किसी भी बालक में अगर पेपर में पूछा जाए यदि कोई बालक अपने पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा या अपना दिमाग एकाग्र नहीं कर पा रहा तो उसे किस प्रकार की डिजीज है, इट मीन्स कि वो किससे ग्रसित है, डिसलेक्सिया का पेशेंट है, या उस बालक को कौन सा विकार है, डिसलेक्सिया का विकार है। या कह दिया जाए जब कोई बालक पढ़ता है और कोई शब्द पढ़ रहा है और पढ़ने में वो स्वर का लोप कर देता है, पढ़ने में स्वर का लोप हो जाए, तो जब कई बार क्या होता है तो जब वो पढ़ता है तो पढ़ने में क्या हो जाता है, अक्सर स्वर उससे छूट जाते हैं, वो सिर्फ व्यंजन का उच्चारण करता है, स्वरों को भूल जाता है, तो ये भी किसकी समस्या है, डिसलेक्सिया से संबंधित है। या इसमें कह दिया जाए कि स्मरण क्षमता जो होती है, बालक की स्मरण शक्ति क्षीण हो जाना, यानी कह दिया जाए किस डिजीज की वजह से किसी भी बालक में स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बालक डिसलेक्सिया से प्रभावित है तो इसका मतलब उसमें स्मरण शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक मेन जो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई बालक डिसलेक्सिया से ग्रसित है तो वह शब्दों को या अक्षरों को उल्टा पढ़ता है, शब्दों या अक्षरों को उल्टा पढ़ता है, यानी कि कोई शब्द लिखे हैं या कोई अक्षर लिखे हैं तो वो उनको उल्टा पढ़ता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, डिसलेक्सिया। जैसे मान लो आपके पास क्या लिखा है, मान लो आपने कहा नाम लिखा है और नाम को उसने क्या पढ़ दिया, मान पढ़ दिया, यानी आपसे कह दिया जाए कि नाम को क्या पढ़ा, मान पढ़ा, यानी इसने नाम को क्या करके उल्टा करके पढ़ दिया, तो जहाँ पर शब्द या अक्षरों को उल्टा पढ़े वो क्या होती है, डिसलेक्सिया। बहुत सारी मूवीज बॉलीवुड में इससे संबंधित बनाई गई हैं, तो ये क्या हो गया, ये किससे संबंधित है, आपसे कह दिया था डिसलेक्सिया से, और ये एक प्रकार से कोई बीमारी है जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ना कि उनको हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये हो गया, और आपसे कह दिया जाए या और भी समस्या क्या होती है कि जब समान ध्वनि वाले दो शब्द हों,
समान ध्वनि वाले वर्ण या शब्दों को पहचानने में समस्या। यदि किसी बालक को कोई भी, मान लो क्या लिखा है कि मान लो कोई भी बालक है और उसको कोई समान उच्चारण वाली ध्वनि है, तो वो चाहे समान ध्वनि वाले वर्ण हो चाहे शब्द हो, उनको क्या होता है पढ़ने में क्या होता है या पहचानने में उसको समस्या होती है। जैसे हमने कहा एक आपसे कह दिया जाए ये री लिखी है और एक ये री लिखी है, हमने कहा री क्या होता है, री लिखिए, ऋतिक तो ऋतिक ऐसे लिखा जाता है, लेकिन वो ऋतिक कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, तो वो समान उच्चारण में क्या हो गया, उसको कंफ्यूजन हो गया। तो समान उच्चारण वाले ध्वनियों में भी उसको क्या होती है समस्या, अगर किसी बालक को है तो किसके अंतर्गत आएगा, डिसलेक्सिया के अंतर्गत। अब आपसे कह दिया जाए लास्ट में एक और देख लेते हैं डिसफेसिया, तो डिसफेसिया में अगर आप समझे तो हमने पहले ही आपको बता रखा है कि जहाँ पर भी क्या होता है किसी भी बालक को अपने भाव अभिव्यक्त करने में या मन के विचार व्यक्त करने में कोई भी समस्या होती है या अक्षमता उत्पन्न हो जाए उसमें, तो इसे हम डिसफेसिया के अंतर्गत रखते हैं। कई बार आप देखते हो क्लास में कोई बालक होता है उसे पूर्ण ज्ञान होता है, अगर आप उसे प्रश्न देंगे तो वो हल कर देगा, लेकिन जैसे ही आप पूछो तो वो अपनी मन की बात अभिव्यक्त नहीं कर पाता। ये किसके अंतर्गत आता है, किस अक्षमता के अंतर्गत आता है, डिसफेसिया के अंतर्गत। तो इस तरह से अधिकम अक्षमता से प्रतिवर्ष लगभग आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी सीधा प्रश्न पूछा जाता है, कभी आपसे घुमा करके पूछ लेता है। हमने दोनों तरह के प्रश्नों पर डिस्कशन किया। आइए अब एक और पॉइंट देखते हैं कि क्या होता है उम्र के साथ बालक में शब्दों का ज्ञान या भंडारण। उम्र के साथ बालक में शब्दों का ज्ञान या भंडारण, इससे भी कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि किसी बालक या कोई बालक 9 से 12 महीने की उम्र में कितने शब्द बोल सकता है, तो यहाँ पर एक तरफ आप क्या लिखेंगे, उम्र लिख लीजिए, और इधर क्या होता है उसमें कितने शब्दों का ज्ञान हो जाता है बालक को, शब्द लिख लीजिए। तो पहला जो है आपको ये याद रखना है कि 0 से 9 माह तक का जो बालक होता है, 0 से 9 माह, उसे 0 शब्दों का ज्ञान होता है, यानी उसे शब्दों कोई शब्द बोल या ज्ञान नहीं होता, यानी 0 शब्द। तो अगर पूछा जाए कि बालक 0 से 9 माह का बालक कितने शब्द का ज्ञान रखता है या कितने शब्द बोल सकता है, तो 0 शब्द। लेकिन जैसे ही हम 9 से 12 माह में जाते हैं तो बालक 9 से 12 माह तक 3 से 4 शब्द सीख जाता है, 3 से 4 शब्द। जैसे ही 1.5 वर्ष का हुआ, 1.5 वर्ष का बालक 10 से 12 शब्द सीख जाता है, और 2 वर्ष का बालक, जो 2 वर्ष का बालक होगा वो 272 शब्द सीख लेगा। यानी कि अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट शब्दों से ही पूछ लेंगे, अगर 3 वर्ष का तो क्या कह दिया जाए कि 2 वर्ष का बालक है, अगर 2.5 वर्ष का बालक हो जाए, 2.5 वर्ष का बालक 450 शब्द सीख लेता है, यानी कि इसको लगभग 450 शब्दों का ज्ञान हो जाता है, 3 वर्ष का होगा तो लगभग इसे 1000 शब्द का ज्ञान हो जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि 0 से 9 माह के बालक को कितने शब्दों का ज्ञान होता है, 0 शब्द, 9 से 12 माह के बालक को कितने शब्दों का ज्ञान होता है, 3 से 4 शब्द का ज्ञान,
डेढ़ वर्ष के बालक को कितने शब्दों का ज्ञान होगा? 10 से 12। 2 वर्ष के बालक को 272 शब्द का, 2.5 वर्ष के बालक को 450 शब्द का, 3 वर्ष के बालक को आपसे कह दिया जाए तो 1000 शब्दों का, इसके बाद आपसे कभी 3.5 वर्ष का जो बालक हो जाएगा तो 3.5 वर्ष के बालक को 1250 शब्द का ज्ञान हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए 4 वर्ष का बालक हो जाए तो उसको 1600 शब्दों का, लगभग कितने शब्दों का ज्ञान होता है? 1600 शब्दों का ज्ञान होता है। अगर और देखें अब तो यहाँ पर 4 वर्ष के बाद अगर 4.5 वर्ष का बालक हो जाए तो 4.5 वर्ष का जो बालक है इसे लगभग 1900 शब्द आपसे कह लिया जाए 1900 शब्दों का ज्ञान होता है। 1900 शब्द, यही बालक अगर 5 वर्ष का हो जाएगा तो इसका शब्द ज्ञान 2100 शब्द हो जाएगा, 2100 शब्द। अब बालक अगर 11 वर्ष का हो जाए, 11 वर्ष के बालक को 50,000 शब्दों का ज्ञान हो जाता है, और यही बालक अगर 14 वर्ष का हो जाए तो इसे 80,000 शब्दों का ज्ञान हो जाता है, और अगर बालक 16 वर्ष का हो तो इसे 1,00,000 से ज्यादा का, 1,00,000 से भी अधिक शब्दों का ज्ञान हो जाता है। अब ये हो गया तो उम्र के साथ बालक ने शब्दों का ज्ञान या भंडारण पूछ लेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर क्या आता है, बालक 0 से 9 माह 0 शब्द, 9 से 12, 3 से 4 शब्द, 1.5 वर्ष का 10 से 12 शब्द, 2 वर्ष का 272 शब्द, 2.5 वर्ष का 450 शब्द, 3 वर्ष का 1000 शब्द, 3.5 वर्ष का 1250 शब्द, 4 वर्ष का 1600 शब्द, 4.5 वर्ष का 1900 शब्द, 5 वर्ष का 2100 शब्द, इसके बाद आपसे 11 वर्ष का 50,000 शब्द, 14 वर्ष का 80,000 शब्द और 16 वर्ष का 1,00,000 से ज्यादा। डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अगर इस तरह से प्रश्न नहीं पूछेगा तो और भी तरीके हैं प्रश्न पूछने के, दो तरह से। मान लो कह दिया जाए कि जो 6वीं क्लास का बालक है, यानी 6th क्लास का जो बालक है वो, उसको कितने शब्दों का ज्ञान होता है, तो हमेशा याद रखना जो 6th क्लास का बालक होगा उसे 50,000 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, पेपर में पूछा भी गया है कि 6वीं क्लास के बालक को या 6वीं क्लास के बालक का शब्द भंडार कितना होता है, 50,000 शब्द, यहीं पर अगर 6वीं ना पूछे आपसे कह दिया जाए या मान लो कह दिया जाए, तो अब आपसे कह दिया जाए 6वीं के बाद मान लो कह दिया जाए 10वीं क्लास का, तो उसे 80,000 से ज्यादा शब्दों का ज्ञान हो जाता है। तो 10वीं क्लास के बालक को कितने हो जाते हैं, 80,000 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। तो ये रहा आज आपका टॉपिक, अधिगम अक्षमता एवं शब्द भंडार। नमस्कार।